आज के क्लास में हम जानेंगे सरफेस गेज के बारे में। सरफेस गेज सरफेस गेज तो सरफेस गेज को और अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे आपका पहला है, इसको मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, मार्किंग ब्लॉक। दूसरा स्क्राइबिंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक से भी नाम से जानते हैं। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये सरफेस गेज को तीन नामों से जाना जाता है, मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक और यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो सरफेस गेज है क्या? सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके द्वारा लंब रूप में खड़े जॉब पर सीधी लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मार्किंग करते हैं सीधी लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर के द्वारा भी, तो जेनी कैलिपर से जब मार्किंग करते हैं तो जॉब की स्थिति जो होती है वह क्षैतिज होती है, अर्थात फ्लैट रूप में इस तरह से नीचे होता है और ऊपर से हम लोग जेनी कैलिपर के द्वारा सीधी लाइन, सीधी रेखाएं खींचते हैं। लेकिन जब सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे तो आपका जो जॉब है वह लंब रूप में हो जाएगा। तो लंब रूप में जॉब को खड़ा करने के लिए एक प्रकार का डिवाइस है जिसका नाम है एंगल प्लेट, उसकी सहायता से जॉब को खड़ा करने में सहायता दिया जाता है। तो एंगल प्लेट जो होता है वह एंगल के आकार का होता है, कोण के आकार का होता है, जिसको 90 डिग्री में एक्यूरेट फिनिश करके बनाया जाता है। तो वह एक लोहे का प्लेट है, लोहे का प्लेट है जिसको समकोण में बनाया जाता है। इस प्रकार से एंगल प्लेट बनाया जाता है। तो एंगल प्लेट को जब हम सरफेस प्लेट पर रखेंगे, ये जो हुआ आपका सरफेस प्लेट कहलाएगा, सरफेस प्लेट है, और ये जो है आपका एंगल प्लेट है, ये जो है एंगल प्लेट, एंगल प्लेट है। तो एंगल प्लेट पर अगर हम जॉब को लंब रूप में खड़ा करते हैं तो इस प्रकार से इसकी सहायता से हम जॉब को इस पर इस प्रकार से हम लंब रूप में खड़ा रखेंगे, ये हुआ आपका जॉब। अब इस जॉब पर हम सरफेस गेज की सहायता से सूक्ष्मता में मार्किंग करते हैं। जेनी कैलिपर से जब हम मार्किंग करते हैं तो उसकी सूक्ष्मता होती है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर की सूक्ष्मता में हम मार्किंग करते हैं। लेकिन अगर हम सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे तो सरफेस गेज के प्रयोग अगर हम हाइट गेज के द्वारा करते हैं, इसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट हाइट गेज से अगर उसको एडजस्ट करते हैं तो 0.02 मिलीमीटर की सूक्ष्मता में, एक्यूरेसी में सरफेस गेज को सेट कर सकते हैं। लेकिन जेनी कैलिपर को हम 0.5 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में सेट करते हैं। कारण क्या है कि स्टील रूल के द्वारा हम जेनी कैलिपर को सेट करते हैं। जेनी कैलिपर के माप को अगर सेट करना है तो स्टील रूल की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो स्टील रूल में जो एक्यूरेसी होगा आपका 0.5 mm होता है, तो उसी के अनुसार जेनी कैलिपर का भी एक्यूरेसी आपका 0.5 मिलीमीटर ही होगा। लेकिन हाइट गेज की एक्यूरेसी जो होती है वह 0.02 mm मिलीमीटर होती है। तो अगर हम सरफेस गेज को सेट करने के लिए हाइट गेज का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसकी सूक्ष्मता हो जाएगी 0.02 मिलीमीटर। इस प्रकार सरफेस गेज की जो सूक्ष्मता है वह 0.02 mm होता है। तो इस प्रकार से सरफेस गेज जो है एक मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से हम जॉब पर लंब रूप में
मार्किंग करते हैं। तो सरफेस गेज जो है वह भी आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें एक कहते हैं साधारण प्रकार का, जिसको मार्किंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो मार्किंग ब्लॉक में क्या है कि साधारण होता है, उसमें एक स्क्राइबर फिट किया जाता है मार्किंग करने के लिए। तो जो स्क्राइबर होता है वह बेंट स्क्राइबर होता है, अर्थात दो सिरों वाला, एक सिरा उसका 90 डिग्री में झुका होगा और दूसरा सिरा स्ट्रेट होता है। इस प्रकार दो सिरों वाला जो 90 डिग्री में झुका हुआ आपका क्या स्क्राइबर है, उसको हम बेंट स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। तो मार्किंग ब्लॉक में बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करके हम मार्किंग करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि उसकी सहायता से हम लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में भी बांधते हैं। तो मार्किंग ब्लॉक का मुख्य प्रयोग तो लेथ मशीन पर ही है, जिस पर हम जॉब को सेंटर में बांधते हैं। उसके अलावा अगर साधारण तौर पर मार्किंग करना है तो उसके लिए मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी होगी आपका 0.5 मिलीमीटर। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक बेस होता है, नीचे गोलाई में आपका एक बेस होगा और इसी बेस पर एक रॉड को खड़ा कर दिया जाता है, जिसको स्पिंडल के नाम से जानते हैं। और इसी स्पिंडल में जब रॉड खड़ा होता है तो इसके लिए इस स्थान पर थ्रेड कटा होता है, बेस पर सेंटर में अंदरूनी थ्रेड कटा होता है। और जो स्पिंडल है इस पर भी जो है आपका इंटरनल थ्रेड कटा होगा। तो इस प्रकार इसको इसमें हम कस देते हैं, टाइट कर देते हैं चूड़ी की सहायता से। और उसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है स्नग, स्नग के नाम से जानते हैं इसको। स्नग में ही जो है आपका स्क्राइबर, स्नग में ही जो है आपका स्क्राइबर फिट होता है एक नट की सहायता से। एक नट की सहायता से स्नग में स्क्राइबर को फिट कर देते हैं। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए स्नग को इस पर ऊपर नीचे करने के लिए स्टील रूल की सहायता से इसको सेट करते हैं। हमको कितना ऊपर ले जाना है स्क्राइबर को, उसको सेट करने के लिए स्टील रूल की सहायता से इसको सेट करते हैं। नट को ढीला करके इस नट को ऊपर नीचे हम ला सकते हैं। तो इसका जो मुख्य प्रयोग है, यह लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है। और इस पॉइंट से हम लोग चेक करते हैं लेथ मशीन पर जॉब का सेंटर में बंधना, जॉब जो है आपका सेंटर में बंध है कि नहीं, और साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका दूसरा जो है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी सूक्ता हो जाती है 0.02 mm, कब, जब हम इसको वर्नियर हाइट गेज की सहायता से सेट करेंगे तब जा करके। तो इसके द्वारा जो मार्किंग होता है वह काफी सूक्ता में होता है, जो कि इसका जो स्पिंडल जो एडजस्ट किया जाता है वह एक रॉकर आर्म की सहायता से एडजस्ट किया जाता है, रॉकर आर्म की सहायता से एडजस्ट किया जाता है, जिस पर एक एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, जिसकी सहायता से इसके स्क्राइबर को हम 0.02 mm की सहायता से किसी भी अवस्था में किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ मार्किंग ब्लॉक के बारे में समझे, कल के क्लास में अगले क्लास में हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के कितने पार्ट्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में कल के क्लास में जानकारी दिया जाएगा।